की बाबरकत नाम से आगाज़। और आज मैं इस सेगमेंट के आगाज़ में ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बस जहन बना लीजिए, अल्लाह हम सब से कोई बहुत अच्छा काम लेने वाला है। कोशिश कीजिए जल्द से जल्द आप कॉल्स कर सकें, जल्द से जल्द डोनेट कर सकें। ज़्यादा वक्त ना लें सोचने में कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मुझे कितने डोनेट करने थे और मुझे क्या रह गया है, इसलिए कि आज मैं रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन ये बात कहता हूँ, लेकिन मैं और बदामी साहब और अल्लाह हमारा तीसरी शख्सियत रात जो है वो गवाह है कि हम ये बात कर रहे थे कि यार इस मामले को तो ज़रूर होना चाहिए और पूरी भरपूर कोशिश करनी है इंशाल्लाह अज़ीज़। इसीलिए हमने वो जो हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपकी मुलाकात पिछले मेहमानों से करवाते हैं उसे भी आज ड्रॉप कर दिया, ताकि आज के इस सेगमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें। बिल्कुल मेरी अपनी बहन की तरह ये बहन यहाँ मौजूद है, और पैकेज वगैरह भी हमने कुछ नहीं, बस सिर्फ इनकी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं और मैक्सिमम टाइम आपको देते हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें ताकि हम इस मामले को हल कर सकें। सहरिश हमारी बहन लाहौर से आई हैं, 24 साल इनकी उम्र है, मास्टर्स कर रही हैं। ज़िंदगी हम सब की तरह नॉर्मल चल रही थी, बस कुछ इश्यूज थे दिल के, दिल की वजह से फिर फेफड़े भी मुतासर हुए और अब अजीबोगरीब तकलीफ़ दे ज़िंदगी ये गुजार रही हैं, और डॉक्टर्स ने इन्हें ट्रांसप्लांट बताया जो कि चेन्नई में भारत में मुमकिन है। और उसके लिए मैं कोई वक्त ज़ाय किए बगैर बस जल्द जल्द सब कुछ बता रहा हूँ कि 85,000 US डॉलर्स यानी तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए पाकिस्तानी, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक शख्स भी, इतने अल्लाह ताला ने लोगों को नवाजा हुआ है, एक शख्स भी बहन समझ कर अगर अतिया करना चाहे तो ये अमाउंट बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। हम सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा करना चाहें तो भी ये अमाउंट, और अल्लाह करे अगले बरस मेरी बहन यहाँ खुश व खुर्रम हमारे साथ बैठी हुई हों और हम इनके मास्टर्स के नतीजे का भी पूछ रहे हों कैसा रहा और इनके ऑपरेशन के नतीजे का भी, तो हम इनसे बात करते हैं। आप बिस्मिल्लाह कीजिए अल्लाह का नाम लेके, सो दैट हम कम से कम आज इन्हें यहाँ से मायूस ना लौटाएं। मुझे अल्लाह की कसम हिम्मत नहीं हो रही इनसे बात करने की। मैं पहले एक दो जुमले मैंने बोले तो ये इनकी आंखों में आंसू थे, फिर मैंने बादामी साहब से भी कहा बस सलाम ही लीजिएगा, बात नहीं कीजिएगा ज़्यादा, लेकिन अब ऑन एयर चूँकि ये हमारी मजबूरी है कि हम जाने कि इनको क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है। अस्सलामु अलैकुम, तो आप फिर रोना शुरू कर दिया आपने, मैंने आपको बहन कहा है तो ठीक है, आप अल्लाह मियाँ बेहतर करने वाला है, यकीन तो है ना खुदा ताला के साथ, तो वो जो भी करता है किसी ना किसी वजह से करता है, कोई इम्तिहान ले रहा होता है अपने बंदों से और आपसे ज़रा ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है। अच्छा आप बताइए क्या मास्टर्स क्या किस चीज़ में कर रही हैं? फाइनेंस। फाइनेंस में जिंदाबाद। तो आप अच्छी स्टूडेंट रही हैं अपनी ज़िंदगी में? ठीक, एवरेज। एवरेज स्टूडेंट थी। अच्छा सही, तो अभी क्या आपको प्रॉब्लम क्या होता है, ये दिल का भी आपका लंग्स का भी सांस लेने में इशू मुझे जो बताया गया? एक महीना पहले मुझे ना ब्लड की वॉमिटिंग्स हुई थी, क्लॉट्स वाला ब्लड निकला था, उसके बाद इतना मतलब पता नहीं था कि इतनी सीवियर बीमारी तक मतलब हो चुकी है। अब फिर वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट मुझे एक हफ्ता जो है ना एडमिट रखा वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने कहा ये अब आपकी बीमारी का हिस्सा है, अब आपको होती रहेंगी। मैं बिल्कुल सही नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, सब लड़कियाँ जाती हैं पढ़ती हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप इंशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे कोई बात, बहुत बहुत कुछ होता है लोगों के साथ और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज रखा है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, घबराइए नहीं। अच्छा फिर बस फिर उन्होंने यही कहा कि अब इसका यही है कि आप टैबलेट्स पे रहेंगे जब तक यहाँ पे हैं मतलब, और कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है पाकिस्तान के अलावा, ट्रांसप्लांट के अलावा। बाकी वैसा अगर रहना तो सारी ज़िंदगी मेडिकेशंस पे, अभी भी रिस्क है और उस पर भी रिस्क है। ट्रांसप्लांट पर भी रिस्क है? वो तो पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआ करेगा ना, जब हम आपको यहाँ से भिजवाएंगे इंशाल्लाह ट्रांसप्लांट के लिए तो हम सब लोग आपके लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन अभी पहला मरहला ये है कि हम ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम कर लें, है ना इंशाल्लाह। तो ये चेन्नई में होगा जी, और वहाँ ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी है इसकी जी, और क्या अमाउंट क्या बताइए डॉक्टर ने आपको? कोई बात, अल्लाह बड़ा कारसाज है, अल्लाह बहुत मेहरबान। अच्छा मुझे बताइए कि अब जब ये आपने बताया ब्लड की वॉमिटिंग और फिर सब ये इंकशाफ आप पे हुआ, उससे पहले की ज़िंदगी और उसके बाद की ज़िंदगी क्या फ़र्क? ये होता था कि मतलब नॉर्मल रूटीन में तो कोई काम नहीं कर सकती थी ना इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करती थी जैसे आम सब कुछ करती, लेकिन इसके बाद ना बहुत ज़्यादा अब लेटती भी ना सकते, दिल फट जाएगा इस तरह के।
कुछ नहीं होगा, अल्लाह ठीक करने वाला। नदीम उमर साहब कराची से कॉल ले लेते हैं, आप तसल्ली रखिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम साहब भाई, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करते हैं हमारी बहन भी सही हो, इनको अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन जी। और बस क्योंकि शाहिद भाई से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है और इंसानों के खिदमत, नाम नहीं बताना चाह रहा था लेकिन उनका बहुत जरूरी है। नहीं लेकिन आप नाम बताएं। अच्छी बात है कि आपके नाम से और लोगों को तरगीब मिले और लोग आगे आए। बिस्मिल्लाह। तो जो भी हमारी बहन का खर्चा है उसके लिए वो मैं 10 लाख रुपए तो मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ इनके लिए, और भी कुछ होगा तो वो करेंगे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। वाह, चलिए हम कितने परसेंट पे आ गए? बड़ी नवाजिश लगी ना, 15% 15% पे आ गए हमने कर लिया। देखें इतने इतने अच्छे लोग हैं पाकिस्तान, और बहन कह के कर रहे हैं, कोई एहसान भी नहीं करता। हाँ, बहन पे तो कोई एहसान नहीं करता ना। बहन का मामला हो तो फिर तो उसको बहन समझ के किया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो अब आपने ये जो सोचती रहती है कि मेरा दिल फट जाएगा और ये ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी आपने, अच्छा अच्छा सोचना आपने, ठीक है। तो ये अभी ज़िंदगी में और क्या करना है आपको आगे, क्या प्लान है, क्या ख्वाब है? बस अब सुकून से जिंदा रहना, बस काफ़ी है। सुकून से जिंदा तो आप रहेंगी, लेकिन हम सब चाहते हैं कि जिंदा रह के आप कुछ करें भी, जो हमारे पैसे लगे हुए हैं आपसे उसका कोई आप कुछ अच्छा काम करें ना जिंदगी में, तो ऐसा करेंगे कि आप देखिएगा हाँ, आगे किसी की मदद, आगे किसी की मदद करेंगे इंशाल्लाह। अभी स्टडीज में तो कोई मुश्किल नहीं होती आपको? नहीं ना, कुछ कर वैसे नहीं होती, ज्यादा अगर टेंशन हो ना तो उससे ब्लड की वोमिटिंग होती है और परेशानी हो जाती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है हार्ट में। बहन भाई कितने हैं आपके? 5। 5 बहन भाई। अम्मा अब्बा तो बहुत परेशान होते होंगे? अब्बा नहीं, अब्बा की डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें खरी के रहमत करे, अब्बा भी नहीं तो अम्मा हैं, वो परेशान होती हैं बहुत। क्या कहती हैं आप, हौसला तो देती होंगी या खुद भी रो पड़ती हैं? माएँ तो बहुत बेचारी, बस मैं खुद उनको फील नहीं करवाती। अच्छा, तकलीफ होती भी है तो नहीं बताती हूँ? जब हद तक बढ़ जाती है फिर सबको पता लग जाता है। आप पुफी हैं, ज़रा माइक अगर आप, शुक्रिया आप तशरीफ लाई लाहौर से। आप लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया। नहीं नहीं, हम एक बात बता दें जी कि ये नहीं आना चाहते थे स्क्रीन के ऊपर, हमने इनसे दरख्वास्त की, जब मुझे बताया गया इनके बारे में, मैं फिर बार बार ये बात कहता हूँ, हमारे पास कोई ख़जाना होना तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि हम कभी भी ये जहमत ही ना दें कि किसी को यहाँ आना पड़े, उससे हम कुछ ना कुछ करते रहें, लेकिन हमें इसके अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आता। या तो ये कि इस हाल में छोड़ दिया जाए अपनी बहनों को बच्चों को, या फिर ये कि चलें, अपने ही लोग हैं, अपने ही हम वतन हैं, अपने ही बहन भाई हैं, अल्लाह ने दिया हुआ है और अल्लाह के दिए में से आप लोगों ने देना है, तो हम उनसे दरख्वास्त करें कि जी आइए, किसी पे भी ये वक्त आ सकता है अभी, यही उम्मीद और अल्लाह जानता है कि हम कितनी नियत के इसमें सच और झूठ अल्लाह जानता है कि अल्लाह ताला की वजह से। एक कॉलर और है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे बात करेंगे तफसील से ज़रा। अस्सलामु अलैकुम जी। अस्सलामु अलैकुम। टेलीविजन मेरा ख्याल है ऑन है, उसको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं क्वेटा से बात कर रही हूँ। नाम क्या? नवाबजादा मोहम्मद सिकंदर ज़हरी की वालदा। नवाबजादा मोहम्मद सिकंदर ज़हरी साहब की वालिदा हैं आप, आपका बहुत शुक्रिया। माजी क्या कहिएगा आप, आपकी एक सबसे पहले दुआ चाहिए हमें। 20 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हैं। वाह क्या बात है, एक तो माँ की तरफ से आए और फिर, और आपने दुआ भी बहुत करनी है इनके लिए, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह इस आखिरी अशरे में मेरी दुआएं हमेशा इस बच्ची के लिए हो। आमीन। और हम आपको बताते रहेंगे, आप सबके नंबर्स होंगे हमारे पास, इनकी इनकी वीडियो, इनका इलाज, ये कब जा रही हैं वहाँ एडमिट होने से लेके, आप सब जितने भी डोनर्स होंगे, ये मेरी टीम की मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको अपडेट रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा इनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ जब ये वापस आएंगी तो आपकी मुलाकात भी सबकी करवाएंगे इनसे टेलीविजन पे इंशाल्लाह। 30 लाख रुपए हो गए भाई, वाह क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो कॉल से हो गए, बाकी जो कॉल जा रही है वाला अभी मुझे एक साहब का नाम दोबारा बता दीजिएगा, उन्होंने 50,000 रुपए का कहा। बिल्कुल, और ये बहुत, ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स भी बहुत ज्यादा है, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, इनकी सबसे ज्यादा। तो अभी आप जा रही हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज जो आपका था? अभी ऑफ हो गया, बस लास्ट सेमेस्टर है। अब आपका लास्ट सेमेस्टर,
यहाँ आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई आपको कराची? नहीं, नहीं। पहले आई हैं कराची के? यहीं रहते थे पहले स्टार्ट। अच्छा, कराची में ही रहते थे, फिर आप लोग लाहौर चले गए। तो कभी सोचा था कि इस तरह से वापस आना पड़ेगा कराची? कभी भी नहीं। डॉक्टर्स क्या बताते हैं आपको, क्या हौसला देते हैं, डराते हैं, क्या करते हैं? कुछ डॉक्टर्स मुँह पे बोल देते हैं और कुछ बस ढकी छुपी बातों में बता देते हैं। अच्छा, जो आदमी मुँह पे आपको कहता है कि अब आपके फेफड़े भी नाकारा हो गए हैं, आपका दिल भी नाकारा हो गया है, इलाज इसका ट्रांसप्लांट है लेकिन उसमें भी चांस नहीं है कोई ज़्यादा, पता है मुझे सब कुछ। ट्रांसप्लांट के बाद मुमकिन है, अगर ट्रांसप्लांट में खुद बहुत बड़ा चांस है। इसलिए हमारी बहन बीमार है। मैं तो ऐसे आपको इधर उधर की बातें करके जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मूड ठीक रहे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह लज़ीज़। ठीक है, जीती रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे, एक बड़ी शानदार ज़िंदगी हो आपके सामने इंशाल्लाह। कॉलर है एक और? जी एक तो कॉलर से पहले नवेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने 50,000 रुपये का कहा, हमारे एयरवे के एक एम्प्लॉई हैं, नाम नहीं बता रहे, उन्होंने 1,00,000 रुपये का कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अच्छा हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉलर को आप लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात? मैं पलशेर बोल रहा हूँ, अलैन से। अलैन से, यूएई से? हाँ यूएई से। वैसे मेरा तलगत गुजरांवाले से। अच्छा, तालुक गुजरांवाले से आपका। जी पलशेर भाई क्या कहेंगे? मैं ये अपनी बैंक के लिए ना 1,00,000 डालूंगा आपके अकाउंट में। जजाकल्लाह, जजाकल्लाह सर, बहुत नवाजिश, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए सब लोग खुद आपको बहन बहन कह के मुखातिब कर रहे हैं, कोई किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। हम यहाँ बैठे हैं आपके पैरों के पास बैठे हैं आपके, हमें कोई बिल्कुल ही एक घर का फर्ज समझ के एक बात हो रही है बस। तो बस ये है कि जब आप ठीक हो जाएं तो आप अच्छा अच्छा कोई ऐसा काम कीजिएगा, हम फिर आपको यहाँ बुलाएंगे किसी और वक्त में, किसी और को ज़रूरत हुई तो फिर आप उसके लिए डोनेट कीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा ही होगा ना। वैसे आपने क्या सोचा हुआ था इस बीमारी से पहले, क्या सोचा था जिंदगी के बारे में? कुछ खास नहीं, स्टडी ख़त्म करके फिर मतलब सोचना क्या था, एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारनी जो आम लड़कियाँ गुजारती हैं। पहले कभी फील ही नहीं हुआ, लेकिन ये जो 1 महीने का हुआ है ना वॉमिटिंग्स वगैरह का सिलसिला, इसके बाद बहुत फील होता है, काश मैं भी ये कर सकती, ये कर सकती। अब क्या क्या सोचते हैं, मैं ये भी कर सकती थी, ये भी नहीं। बस अब हर मतलब नमाज में या दुआ बस यही करती हूँ, मुझे सेहत देते हैं अल्लाह ताला से, सेहत मांगती हूँ। सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी अपनी नमाजों में दुआ कीजिएगा इनके लिए, और मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि दुआ मेरा ख्याल सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है। बिल्कुल, और अगेन इस केस में तो सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। हम चिनाए उनको भिजवाएंगे अल्लाह ताला ने चाहा, और वहाँ से परवरदिगार के करम से, रहम से, फजल से इंशाल्लाह ताला वापस भी। आप बता रही थी लाडली हैं सबकी ये, सॉरी इस दौरान आप बताइए, आसिफ खान साहब हैं कराची से, उन्होंने कॉल की, आपने भी 50,000 रुपए दिए हैं, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी नवाजी। तंग तो नहीं करती हैं किसी को? नहीं, माशाल्लाह से तंग नहीं करती, बहुत बहुत केयरिंग है, हर एक का ख्याल रखना, हर एक के लिए मतलब दिल से महसूस करना इस बातों को, फ़ोन करके खैरियत पूछना हर एक की। इनकी फूफी, मेरी दूसरी बहन बहुत बीमार रहती, उनका फ़ोन करना उनको लाजमी, और अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखती क्योंकि वालिद नहीं है इनके, तो अम्मी का बहुत ख्याल रखना कि उनको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। बता रही जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तकलीफ करती हूँ, बताती भी नहीं हूँ। बहन भाइयों का अपना बहुत ख्याल रखती हैं, मतलब किसी को कोई परेशानी, किसी की कोई दुख तकलीफ इनको पता चल जाए या कोई मेरी ये सोचें कि मेरी वजह से उनको कुछ आसानी हो जाएगी, ज़रूर आगे बढ़ती हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती हैं माशाल्लाह। इस उसमें कि अभी डॉक्टर ने इनको मुकम्मल बेड रेस्ट बताया हुआ है, इनको बिल्कुल हिलने जुलने की परमिशन नहीं है, उसके बावजूद ये इनका कहती हैं कि नहीं मैं नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती हूँ, मैं बीमार रह के बिस्तर पर नहीं लेटना चाहती। बातचीत हमारी जारी है और कॉल्स भी जा रही हैं, कुछ कुछ के अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ ताकि ज़रा एक उसका भी एक एटमोसफेयर बना रहे। अफजल साहब ने आई थिंक कराची से कॉल किए,
अफजल साहब ने भी 50,000 रुपए का अपना हिस्सा डाला है। थैंक यू अफजल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। तो अभी दुबई से, सॉरी अफजल साहब ने दुबई से कॉल किया। आपका ये रोजे वगैरह रख पा रही हैं या मुश्किल अपनी रख पा? रोजे नहीं रख रही, पहले रखती थी। हाँ पहले कभी नहीं छोड़े थे, क्योंकि हर 6 आवर्स बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसलिए वो नहीं छोड़ सकती। अब रोजे नहीं रख सकते? अब नहीं रखती। इसका शिकवा नहीं करते अल्लाह ताला? अल्लाह तेरी इबादत है। नहीं नहीं, एक बात और भी कि हमें खुद भी बड़ी तकलीफ हुई। मैं फिर कहता हूँ कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अल्लाह करे, आप दुआ करें अल्लाह किसी तरह से ऐसा कोई वसीला बना दे कि हम बस इनको आना ही ना पड़ता यहाँ लाहौर से। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ ट्रैवल किया इन्होंने जहाज़ के अंदर, वैसे नहीं ट्रैवल कर सकते। कितना वक्त लगा रहता है आपको ऑक्सीजन का? पहले तो कभी नहीं लगाया था, लेकिन अब लगाती हूँ 2 घंटा सुबह मतलब शाम में, इस तरह कर करके ना, जब ज़रूरत पड़ जाए, सेचुरेशन कम होती है तो लगाती हूँ। तो लगाना पड़ता है आपको। तो मदद सबकी करती थी आप? घर के काम वाम करती थी? हाँ सब करती थी, अब नहीं। अब नहीं, अब तो ये तो अच्छा लगता होगा आपको। खाना बहुत अच्छा बनाती है, बेकिंग बहुत अच्छी करती है, और मतलब कोई घर में आ जाए, इनको पता चल जाए कि कोई मेहमान आ रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ खास डिश अपने हाथ से ज़रूर बनाती हैं। अल्लाह इनको सेहत दे, तो फिर हम भाई भी इनके हाथ से ज़रूर कुछ ना कुछ। हाँ अच्छा भाई, बना के खिलाया। बिल्कुल, बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं। बस ये कि इनकी तबीयत की वजह से वालदा इनको कुछ करने नहीं देते, बहन भाई। तबीयत ख़राब होती है, एक तो तकलीफ होती है, तो दोनों चीज़ें। तकलीफ बस ये होती है, दिल घबराता है, डबल हो जाती है धड़कन, ऐसा फील होता है मुझे खुद ना, लेटते हुए या कुछ और भी करते हुए। इसके अलावा बस तकलीफ ऐसा बहुत कम होती है, शुक्र अल्लाह, लेकिन बस घुटन होती है बहुत ज़्यादा अंदर अंदर, सांस बंद हो रहा है, सांस चढ़ गया कुछ भी करते करते, और बस वो जो एक वॉमिटिंग आती है ना, उसका खौफ 3-4 दिन तक तो दिल से निकलता नहीं है, अब आ जाएगी अब आ जाएगी। तो बस वॉमिटिंग भी खून की आप? हाँ ब्लड की, मतलब हाथ में क्लॉट्स आ गए थे। जब फर्स्ट रमज़ान था मैं उठी तो सिर्फ एक मैंने खांसी की और हाथ में मेरा क्लॉट आ गया ब्लड का। इस तरह फिर 7वें रमज़ान को फिर आ गई, मैं बस डेज काउंट करती रहती हूँ कि कब कब आ जाए, कब तक। और इनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब हैं, वो अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ अपने टीम के लोगों से कि वो जो उनका रिपोर्ट्स का एक वो फाइल थी वो भी ज़रा ले आए। और अगेन ये आप लोगों से ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ कॉल करें, हम ही से रابطہ करें और हमारे तवसुत से ही। आप में से कोई भी अगर चाहे तो براہ راست हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। आप ख़ुद जाना चाहें, इनके घर मेहमान बनना चाहें, ज़रूर जाइए, चाय का एक कप पीजिए, बहन हमारी से इनसे मुलाकात कीजिए, ये जो रिपोर्ट्स हैं चेक कीजिए, जो डॉक्टर्स हैं उनसे रابطہ कीजिए। आप बिल्कुल जिस तरह से तसल्ली तशफ़ी आप समझते हैं शफाफियत है, आप वो ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद फिर कोशिश करें कि इनका ये अभी तक जो लाहौर के मसूद हॉस्पिटल की इनकी सारी रिपोर्ट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ज़्यादा अभी पॉसिबल नहीं कि हम दिखा सकें, लेकिन किसी को भी इसकी कॉपी भिजवाई जा सकती है, ईमेल किया जा सकता है, व्हाट्सएप किया जा सकता है, आप जिस तरह से आपकी तसल्ली हो उस तरह से मुमकिन है। अच्छा जी, एक और बंदा खुदा है हमारे साथ जो बहुत माशाल्लाह पिछले कुछ दिन से अल्लाह उन्हें सलामत रखे और बस उनका हम इंतज़ार भी कर रहे हैं यहाँ पे, और परवरदिगार ने बहुत नवाजा भी है, नवाजने से ज्यादा उनको एक बहुत बड़ा दिल दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, अली भाई हैं हमारे गुजरांवाला के, वो इंशाल्लाह हम आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे बहुत जल्द। वो लाइन पे बताया गया कि हमारे साथ हैं और थोड़ी सी मुझे और उम्मीद और हिम्मत हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, कैसे हैं? कैसे हैं अली भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम बदामी साहब, कैसे हैं? जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? अच्छा इकरार भाई, मुझे ये जानना था कि इनका जो बकाया रह गया वो अब कितना रह गया? सर कोई तकरीबन 50, तकरीबन 45 लाख समझे, 45-50 90 लाख है। चले सर, जितना भी रह गया वो मेरे जिम्मे है जी, जितना भी रह गया सर वो मेरे जिम्मे। इतनी सहूलत से, इतनी आसानी से आपने कह दिया, अल्लाह आपकी जिंदगी को हर लम्हे को आसान। अरे सर, वो मेरी बहन है, मेरी इस दुनिया में बहन कोई नहीं है, वो मेरी सगी बहन होगी आपकी बहन। ये तो बस अब ये बहन है आपकी, अल्लाह ने चाहा और ये झोलियाँ उठा उठा के हर नमाज में दुआ करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब तो अली भाई, मैंने तुम्हें तो हैरान होने का मौका भी नहीं दिया कि अभी तुम यूं करके कह रहे हो ये कर लें। अल्लाह आपको ऐसे ही नवाजता रहे, अपनी बरकतें अपनी रहमतें आप पे ऐसे ही नाजिल रखे,
आपका हम इंतजार कर रहे हैं जीतो पाकिस्तान के सेट पे भी और यहाँ शान रमजान में भी, बस वो भी जरा बता दें कब आ रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे को मेरी टिकट कंफर्म है, मंडे को मैं आ रहा हूँ भाई। इस फरिश्ते से मंडे को मिलेंगे हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह। बड़ी नवाजिश, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक कॉलर और भी है, उन जितना बोझ अली भाई का कम हो जाए उतनी अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाइन शायद ड्रॉप होगी, कोशिश करें दोबारा, अगर कनेक्ट हो जाता है। अब लाइन ना भी कनेक्ट हो तो अल्लाह ने सारी लाइनें कनेक्ट कर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं जी। मैच देखेंगे कल का आप? नहीं, मैच नहीं देखते अब, यार ना देखेंगे, तबीयत और खराब ना। मैं भी नहीं देखता, हम दोनों भाई बहन कल रमजान ट्रांजिशन देखेंगे। नहीं देखेंगे आप बहन कहा है तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। और इस दौरान एक इफ्तारी आप मेरे घर पे भी करें मेरी बेगम और मेरे बच्चे के साथ, पहलाज के साथ मिलकर, आपको वैसे ही अच्छा लगेगा, आपको तंग करेगा वो खूब, ठीक है ना? बस उसके लिए दुआ किया करें, ठीक है? सही हो गया, थैंक यू सो मच। मसला हल हो गया हमारा। आप क्यों रो रही थी फिर? तीन घंटे का ऑपरेशन बस उसका। ओहो, अब इतना कुछ हो गया तो एक घंटे का ऑपरेशन, वो तो पता भी नहीं चलेगा आपको, बेहोश किया होगा उन्होंने आपको। ठीक है, आपकी सारी जिम्मेदारियां अब हमारी इंशाल्लाह, वीजा ये वो जो जो भी मुमकिन हुआ इंशाल्लाह हम सब साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने इतनी आसानी से काम कर दिया, मैं तो पूछ भी नहीं सकता था। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। मैं वही कह रहा हूँ, अभी तक हैरान परेशान ही हूँ, उन्होंने तो हमें हैरान होने का भी मौका नहीं दिया सही से। तो भाई जजाकल्ला आप सबके, हम बस सेगमेंट के आखिर में एक बार दुआ भी। हाँ, सब जितने लोगों ने कहा है, इसलिए कि आप बेटी हैं, आप बहन हैं, बहनों बेटियों की दुआ अल्लाह ताला वैसे भी बहुत सुनता है, और फिर चूंकि अल्लाह ने आपसे एक छोटा सा इम्तिहान लिया हुआ है तो उसमें और भी अल्लाह ताला नज़दीक होता है इंसान के, तो वैसे एक बार दुआ करते हैं सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला उन सबको हर जायज़ ज़रूरियात पूरी करे उनकी, और जो भी वो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। अब आपने रोना नहीं है, ठीक है, खुश जाना है आपने, जीती रहे। टेंशन देंगे हम, कितनी मासूमाना और बचाना है कि ये सब तो हो गया, लेकिन वो ऑपरेशन है, बच्चों को इस तरह होता है तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है भाई। एक एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है आखिर में। अच्छा, अब इस अच्छा, एक तो ये कि वो हमारे जो बंदा है खुदा है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, हमेशा वो मदद करते हैं, वो उनका तो ये है ना कि हम कभी भी अपने हाथ से भी डाल सकते हैं, तो इसमें खुदा ना खास्ता कोई कमी बेशी वगैरह हुई तो हम उनसे ज़बरदस्ती कहेंगे कि सर जी ये आपके हिस्से का हमने डाल दिया, तो उनके लिए दुआ मैं रोज़ाना कहता हूँ। आज भी रिक्वेस्ट है अली भाई के लिए ख़ास तौर पर, आज दुआ कीजिएगा। एक बहुत बड़ी डोनेशन है, एक छोटी सी बच्ची फ़ोन पर है हमारे साथ, वो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है पहले ये बताओ जी। आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम सहरीश है। सहरीश ही है आपका नाम? इन बहन का नाम भी सहरीश ही है जी, बिल्कुल। मैं साइंस से मदद करना चाहती हूँ। कितने? मेरे पास जस्ट 500 है। मेरा बच्चा, तो इसके पास पॉकेट मनी है 500, उसने वो डोनेट कर दिया। ये 500 हमें चाहिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 500 रुपीस भाई, इसी का भाई आपने। इस सहरिश के लिए भी बहुत सारी तालियां, और मेरी बहन इस सहरिश के लिए भी बहुत सारी तालियां, ये बताने के लिए कि हम सब इनके साथ हैं, हम सब दुआ करेंगे। इतनी सी तालियां, इतनी सी दुआ करेंगे, बहुत ज्यादा तालियां। भाई वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 500 रुपए से लेके 45 लाख रुपए तक की कॉल आ गई। अब आप देखिए, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से, और हर किसी का एक एक रुपया उतना ही इम्पोर्टेंट और मुकद्दस है हमारे लिए। जज़ाकअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बस अब हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और दुआ के अलावा जो बाकी इंसान के बस में जो कुछ है वो समझें कि हो गया, हो गया, बाकी अल्लाह ताला पे, परवरदिगार पे, और वो जो भी फैसला करे आपका और मेरा फर्ज है कि हम उसे माने, बिल्कुल राजी बरज़ा। जज़ाकअल्लाह। तो बॉश माइक जी। अल्लाह मियां उन सब लोगों को जिन लोगों ने हमारे साथ ताबुन किया है, जिन लोगों ने हमारे दर्द को महसूस किया है, इस बच्ची के दर्द को महसूस किया है, अपनी सगी बहन कह के दर्द को, अपनी सगी बहन कह के उसको अपनाइयत दी है, अल्लाह मियां उन सब को जजाए खैर अता करे, उन सब को इतना दे कि इस जैसी बच्चियों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, सबके काम आ सके इंशाल्लाह। और हम सब, हमें भी इतनी तौफीक अता दे आगे अल्लाह मियां कि हम भी किसी के काम आ सकें। इंशाल्लाह। और इन दोनों बच्चों को अल्लाह मियां जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ,
बीवी बच्चों के साथ, और हमारी ये बहन अगले साल इंशाल्लाह खैर वाफियत से सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बगैर रोए हुए हमारी मेहमान बने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। आप सब लोगों के हम शुक्र गुजार नहीं हैं भाई, आप सब लोगों के हम एहसान मंद हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआओं की सूरत में, जिन्होंने 5 रुपए की सूरत में, 500 की सूरत में, या फिर 5 मिलियन की सूरत में हमारा साथ दिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सारे पाकिस्तानी अपने लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की और तालियां बजाते हुए अपनी जिंदा दिली का सबूत देते हुए हमें गप्पे पर जाते हैं। पाकिस्तानी तुझे सलाम।